आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के तत्वाधान में 6 और 7 फरवरी को अलीगढ़ में होने वाले वैश्य महाकुंभ को लेकर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता पूरे प्रदेश में जा जाकर अपने द्वारा मीटिंग की। इस मीटिंग का उद्देश्य यह है कि जितने भी वैश्य वर्ग के व्यक्ति हैं वह सब एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएं, जिससे हो रहे वैश्य समाज पर अत्याचारों को लेकर हम सब एकजुट होकर अपनी शक्ति का एहसास कराएं। गुरुवार की शाम को कोसी कलां में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी कमल किशोर वार्ष्णेय के निवास पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग की शुरुआत में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा श्री अक्रूर जी महाराज के चित्रपट पर माला पहनाकर उनका तिलक कर आरती उतारी गई। कमल किशोर वार्ष्णेय द्वारा अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता जी का पटका पहनाकर एक साफा पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया और उनके द्वारा कहा गया कोसी कला से ज्यादा वैश्य को इकट्ठा कर होने वाले अलीगढ़ के वैश्य समाज महाकुंभ में भाग लें और अपनी एकजुटता का परिचय दें, जिससे आने वाले चुनावों में भी हमारी शक्ति का एहसास हो और भागीदारी हो। इस मीटिंग में वैश्य समाज के व्यक्तियों ने अपनी अपनी बात रखी और आश्वासन दिया ज्यादा से ज्यादा वैश्य समाज के व्यक्ति को इकट्ठा कर हम 7 तारीख को पहुंचेंगे। आदरणीय डॉक्टर सुमन गुप्ता जी, जो एक क्रांति विचारक रूप में भी ये जाने जाते हैं, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के सभी पदाधिकारीगण कोसी नगर से पधारे सभी भमासाओं को मैं प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्णा। 6 तारीख को अलीगढ़ में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की कार्य समिति है। 7 तारीख को अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का अधिवेशन है, तो हम सब लोगों को 7 तारीख को सुबह 10 बजे वहां पहुंचना है। उस कार्यक्रम के आयोजक हैं मानव महाजन जी, उसमें उत्तर प्रदेश के हमारे वैश्य जो विधायक और सांसद और मंत्री हैं वो उस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। राजनीति के क्षेत्र में वो किसी भी संगठन से हैं उस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम महाकुंभ का रूप दिया गया है, उसमें बहुत संख्या वहां पहुंचने वाली है और हम अपनी एकता वहां दिखाएं, जिससे कि आने वाले समय में जो राजनीतिक चुनाव होते हैं, जिला परिषद है, प्रधानी का है, चेयरमैनी का है, विधायकी का है, सांसद का है, तो हम अपनी बात सरकार के सामने रख सकें।